थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 420 ग्राम्स। आज ना हमने ISL से थोड़ी ब्रेक ली है, बताऊँ क्या है कि एंड ये दरख्वास्त है फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स एज वेल। हमने बड़े जोश से वो शुरुआत करी थी कि हर दिन हम लोग ISL की हम लोग यहाँ पे बातचीत आपके लिए करेंगे, वी विल ट्राई एनालाइजिंग एवरीथिंग फ्रॉम वन डे और सो फ्रॉम एवरी डे। इट टर्न आउट टू बी वंस अ वीक हो गया। अब वंस अ वीक के बाद अभी 2 हफ्ते हो गए कि हमने बात करी नहीं है ISL की। दरख्वास्त ऑर्गेनाइजर से ये है, अगर आप एक लीग चला रहे हैं, और मैं आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी समवन हु लव्स द गेम, रियली लाइक्स वॉचिंग द गेम, टॉकिंग अबाउट द गेम, पर मैं भी हर दिन मुकाबले नहीं देख सकता। सर क्या समझाया आपने? स्पेस इट आउट ओवर अ कपल ऑफ वीक्स, हैव लाइक जस्ट अ वीकेंड फॉर ऑल योर गेम्स। इफ यू हैव अ गेम कमिंग एवरी डे, कहाँ से करेगा इंसान, यू नो? सो दैट इज द दरख्वास्त टू द ISL, दे वर टेकिंग अ बिट ऑफ अ ब्रेक। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग इंडिया, and India, why? Because we're talking about possibly one of the finest players currently playing for the Indian national team, and we're talking about someone who's of course plying her trade in Europe. Her name is Bala Devi, who's playing for Rangers in Scotland, and she recently made the news because she got her first goal for her club as well in a 9-0 routing of Motherwell. And to talk about her, we have also joined by Sharda Ugra, who's now a familiar face on the show. Bala, firstly congratulations aapke us goal ke liye. जब गोल मारा मैं क्योंकि मैं जब गोल मारा तो कोई सेलिब्रेशन प्लान थी आपकी कि ये मेरी सेलिब्रेशन है या बस कि गोल मारा एंड देन जस्ट नॉर्मली वॉक इनटू? ना ऐसा सेलिब्रेशन प्लान कुछ नहीं था, लेकिन पहले जो सेलिब्रेशन इंडिया में जो सेलिब्रेशन किया था उसके एक अलग स्टाइल से मैंने बाद में फोटो में देखा था। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पिक्चर भी और बहुत खुशी थी, फर्स्ट गोल है ना, और पेनाल्टी शूट आउट भी एक मिला हुआ था, एक एसिस वन गोल। तो लाइक गोल्स तो इज समथिंग, अगर आपका कोई करियर देखे तो गोल्स और आप साथ ही चल रहे हो, मतलब बाला देवी वहां पे गोल ये तो चल ही रहा है साथ में, बट टू गेट दैट फर्स्ट गोल इन स्कॉटलैंड फॉर समवन जो इतने टाइम से भारत में जब आप खेल रहे थे गोल मार रहे थे, क्या वो एक अलग फीलिंग वापस आई, वो पहले गोल की फीलिंग जो पहले भी आपने किया? यस डेफिनेटली बहुत अलग फीलिंग हुआ है कि जितना लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन दिया है और जितना लोगों ने बहुत इंकरेज दिया है और कहीं कहीं लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है ये गोल के बारे में, एक इंडियन प्लेयर यूरोप लीग में स्कोर कर रही है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इंडिया के। Sharda, what was your reaction जब आपने news पढ़ा? Because it was all over the papers. By the way, Bala, it was front page news, all over the papers. यहाँ पे news channel वाले जो आजकल politics के अलावा कुछ और बात करते नहीं है, वहाँ पे भी आ गई बात कि Bala Devi has scored a goal. Sharda, what was your reaction like when you saw the news? Huge excitement. Bala, इतनी खुशी हुई देख के कि बस आपने कर लिया है, और मैं ये सोच रही थी वो excitement के बाद जब सारी जो news पढ़ी सब कुछ, मैं ये सोच रही थी कि अगर एक मेल प्लेयर करता ये यूरोप में पहला गोल तो क्या होता, आप बताओ क्या कितना सेलिब्रेशन कितना हो जाता है, लेकिन इट इज फैंटास्टिक आपको देख के, और आपका जो प्रेजेंस है वहां स्कॉटलैंड में वो बहुत बड़ी चीज है इंडियन फुटबॉल के लिए, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के फुटबॉल के लिए, बट जस्ट आई थिंक अर्जुन यू एग्री विद मी फॉर इंडियन फुटबॉल इट्स अ ह्यूज थिंग for her to be there and to be playing at a top club and to be performing and scoring goals. You know, we keep talking about acha, who's going to be our next striker and all this. It hai to hamare paas striker. Abhi bhi wo tha. Men's football mein hum dhoond rahe hain aise. Kaun hai hamara agla striker? Sunil ke baad. Par Bala, what is... Haan ji, sorry. Ji, boliye. Nahi, aap kuch keh rahe the. Please, aap boliye. Nahi, us cheez ko main positive mein leti hoon. Jitna bhi abhi appreciate kiya hai sabne. तो बहुत खुशी है और भी स्कोर करने का मैं मन करती हूँ और लोगों को दिखाने के लिए और इंडिया को प्राउड करने के लिए, और क्या होगा दोबारा जो पहले मोहन था और कितना हो सकता है, मैं एक चैलेंजिंग लेती हूँ और मैं बहुत कोशिश करूंगी। वो ही पूछना चाहता था आपसे कि फॉर समवन जब आप इंडिया में खेलते हो, और मैं तो एक ऑपोजिशन या टीम के नजरिए से देख रहा हूँ कि जब आप फील्ड पे आते हो, कहते हो वो देख बाला देव ठीक है इतने गोल मारे हैं, ये करती है वो करती है, कट टू आप स्कॉटलैंड चले गए हो, अब स्कॉटलैंड में ज्यादा लोग ऑफ कोर्स उन्होंने आपका नाम सुना होगा, रिकॉर्ड्स आपके काफी लोग जानते हैं कि क्या आपके रिकॉर्ड्स हैं,
बट वॉज इट अ पॉइंट कि जहां आपको फिर से अपने आप को प्रूव करना था, और जब खिलाड़ी को एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना होता है, कि कहीं ना कहीं से आप फिर से एक वो शुरुआत आपकी एक नई होती है, क्या आपके लिए भी ऐसा ही कुछ था स्कॉटलैंड में? या डेफिनेटली मैं नवंबर में मैं ट्रायल के लिए आया था. नवंबर से लेके अभी तक मैं पॉजिटिव फील में बहुत मैं अभी यहाँ पे रह रही हूँ, क्योंकि एक मैं भी एक इंडिया के एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ. बहुत सारे रिप्रेजेंट करने प्लेयर्स है यहाँ पे. स्कॉटिश वुमेन्स स्कॉटिश प्लेयर है नेशनल टीम का, नॉर्दर्न आयरलैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से. उन लोग भी एक एक उन लोगों के साथ एक चैलेंजिंग फील होता है कि मैं भी एक अपना देश के लिए रिप्रेजेंट करके यहाँ पे पहुंचा हूँ. तो वही दिमाग में मैं घुस देती हूँ, और जितना भी मैं हो सकता है उतना ही मैं खेलने के लिए कोशिश करूंगी. और एक चैलेंजिंग कि हम इंडिया बहुत सारे गोल मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे जो भी गोल किया है बहुत डिफिकल्ट में गोल करते है. तो हर चीज में बहुत एक कम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन होता है. उसी चीज को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ जी. वैसे बाला, मैं आपसे पूछना चाहता था कि जब आप कह रहे हो ना, आपने अभी समझाया यहाँ पे कि भारत में जब आप गोल मार रहे थे, यू नो, आप काफी टाइम से गोल मार रहे थे, यहाँ पे इवेंचुअली व्हेन यू स्कोर दैट गोल, यू नो, इट्स मच टफर टू स्कोर अ गोल जहाँ पे आप अभी खेल रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले खिलाड़ी के लिए, कहते हैं कि जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो बॉल पे समय कम मिलता है, रिएक्शन टाइम कम होता है, डिसीजन मेकिंग कम होता है. तो इन योर फर्स्ट फ्यू वीक्स कितना कम हुआ, कितना आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा फ्रॉम इंडिया टू नाउ स्कॉटलैंड? ये देखिए, जब मैं ट्रायल से लेके अब मैं 1.5 मंथ्स लॉकडाउन के पहले मैं उन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर चुका है, और लॉकडाउन के पहले 2 मैच मैंने खेल चुका है, उसमें एसिस भी किया था. तो बहुत सारे मुझे समझ में आया था कि यहाँ पे प्लेयर्स कैसे खेला है, उन्होंने कैसे एडेप्ट लिया है, और कितना एफोर्ट किया है यहाँ पे जो भी प्लेयर यहाँ पे दे रहा है, खेल रहा है. और जितना भी प्लेयर यहाँ पे 100% अपना फील्ड पे देता है. बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे जो भी प्लेयर है, बहुत फ्रेंडली है. उन लोग बहुत मस्ती वगैरह करते हो, लेकिन जब भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत 100% अपना देता है. तो वही चीज मुझे एक न्यू एक्सपीरियंस मिला है मुझे. तो काफी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी, मतलब मेरा रूम में भी साथ में दो 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 प्लेयर है, मेरा साथ में दो लोग रहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात करते हैं फुटबॉल के बारे में. जब मैं इंडिया में रहती थी लाइफ फुटबॉल लाइफ ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि रात दिखाई देता है, तो रात में देखेगा तो सुबह खेल नहीं पाते, तो ठीक से हम देख नहीं पाते. लेकिन यहाँ पे इजीली मैं देख पा रही हूँ फुटबॉल, वुमेन्स फुटबॉल का, मेन्स फुटबॉल का लाइफ इजीली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज. मैं पूछ लू एक सवाल अर्जुन, मैं सवाल पूछ लू बीच में. जी 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 हाँ. बाला, मैं ये पूछना चाहती थी कि काफी सारे जो जहां भी जाते हैं इंडियन प्लेयर्स, जहां जैसे फॉरेन लीग में आप खेलेंगे, प्रोफेशनल लीग में जाते हैं, वहां फिटनेस का लेवल थोड़ा अलग होता है या होता था? आपको फिटनेस लेवल में क्या कुछ फर्क दिखाई दिया रेंजर्स लड़कियों की टीम के साथ, या आपको और काम करना पड़ा टू कैच अप, या आपने सोचा कि आपका फिटनेस ठीक था और ठीक आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं? तो ट्रेनिंग और फिटनेस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी जी जरूर. मैं शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो रहा था फिटनेस में, मुख्य यहाँ पे वेदर थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ठंडा है यहाँ पे. आइस में खेलना पड़ा और स्नो में खेलना पड़ा, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे को. और स्टाइल ऑफ प्ले, लेवल ऑफ फुटबॉल यहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड है कि एकदम से भागना, एकदम से वापस आना, ये बहुत कभी भी मैं इंडिया में इतना नहीं होता थे. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जितना भी प्लेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फिटनेस है. तो
थोड़ा दिन तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद तो मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। पर बाला ये ना ये फुटबॉल की एक हाउ डू आई से इट, इट्स अ हिडन ट्रूथ फुटबॉल का, कि जब कोई नया खिलाड़ी आता है टीम में एनवायरनमेंट में, और जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ऑफ कोर्स दे वेलकम यू, बट आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप में क्या है, और स्पेशली यूरोप में हार्ड टैकल्स होते हैं, यस यू नो इट्स 100% कमिटमेंट, ये नहीं कि गए और छोड़ दिया, पूरा गए. तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ कि आपको यू नो दे वर हार्ड टैकल्स ऑन यू एंड देन यू हैड टू कम बैक एंड यू अंडरस्टैंड कि एक अग्रेसिव नेचर है वहां पे यस गेम का, जो शायद इंडिया में इतना नहीं है? बहुत एग्रेसिव में उन लोग खेलती है, कोई चोट लगा तो लगने दो, ऐसा ऐसा है उनका यहाँ का। 100% अपना जो काम करो, 100 टेकन करना है तो 100% टेकन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो करना है, रेड करना है, करो, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ऐसा होता है। और जब मैं फर्स्ट डे आया था, फर्स्ट डे ट्रायल में और ट्रेनिंग में, ऐसा कोच बोला कि यहाँ पे बहुत स्ट्रोंग है, आगे पीछे राइट लेफ्ट राइट थोड़ा देखो, नहीं तो आप लग जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया था वही वार्ड वार्ड को। और मैंने मतलब मैं भी एक फाइटिंग मुझे बहुत चाहती हूँ, कोई मुझसे छीन के ले लो, मुझे नहीं नहीं चाहती हूँ, तो मैं भी बहुत फाइटिंग करती हूँ। तो कोच बहुत हैप्पी है उस चीज के लेके। यू नो इट्स ब्रिलियंट. मैं आपको समझाऊं कि जब व्हाटएवर लेवल हम छोटे लेवल पे खेलते हैं, मैं एक फील्ड पे खेलने जाता था जहां पे सिर्फ अफ्रीकन प्लेयर्स होते थे, और मैं एक लौता सुकड़ा सा यहाँ पे एक लड़का छोटा सा उनके सामने बीच में खेल रहा हूँ. एंड इवेंचुअली वही जैसे आप समझा रहे हो ना, इट्स द ह्यूमन साइकी, कि पहले मैं थोड़ा डर रहा था कि कहाँ से कौन आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, टैकल पड़ रहा है, कोनी पड़ रही है, ये पड़ रही है. बट आफ्टर एटलीस्ट 4-5 गेम्स आप खुद अपने आप को ही मैन समझ लेते हो अंदर से, बिकॉज देन यू आर रेडी कि अब इससे ज्यादा क्या होगा, एंड देन यू गेट ग्रेडेड टू इट. डिड इट कम नेचुरली टू यू, और वॉज इट अ इंस्टेंट, मैं कह रहा हूँ वॉज इट एन इंस्टेंट टर्न अराउंड कि सडनली यू आप उस अग्रेसिव नेचर में आ गए, या डिड इट टेक टाइम, आपको लगा थोड़ा महीना लगा समझने में कि नहीं, ऐसा है? मैं पहले से ऐसे हूँ, मैं मुझे नहीं किसी मेरे को बोन छीन के या कोई ऐसा धक्का मार के ऐसा लेके जाते हैं। मुझे बहुत अपने आप को बहुत गुस्सा होता है, अपने आप को बहुत उसको लेने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हार्ट में ये हो जाता है। तो मैं बचपन से ये हार्ट होने से, मतलब बोन अपना पास रखेगा तो ये हार्ट होने से कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम में यूज करती हूँ हाथ, और उन लोग तो इतना हाथ में यूज नहीं करती हूँ, खाली उन लोग ये यूज करती हूँ। मेरा एक एडवांटेज है कि साथ में बोन पकड़े, हाथ में ऐसा करे, तो मेरा एक एडवांटेज है मेरा। एक्सप्लेन करिए कि आप क्या कह रहे हैं, एडवांटेज आप या बैलेंस का बात कर रहे हैं कि क्या, किसका बात कर रहे हैं, हाथ से खेलने का? बैलेंस के बारे में बात करें, जब भी मैं बचपन से सीख के आ रही हूँ कि एक हाँ बोल अपना पास बोल रखेगा तो कोई भी हाथ बाहर रख सकता है, मेरा पास हाँ बोल अच्छा तो हाथ नहीं रख सकता है। तो मेरा पास जब भी बोल होता है तो हाथ आगे पीछे में डालती हूँ, जहाँ का लोग इतना ये तो नहीं करती हूँ, उन लोग मेरे को भी डर लगता है उन लोग। नहीं सही बात है. आई फील इट्स करेक्ट बिकॉज मैंने इतने खिलाड़ियों को देखा है, एंड शारदा दैट इवन जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, एंड दिस इज सो ट्रू, क्योंकि ये जो है ना इसके साथ खेलना इट्स नॉट नेचुरल, तो इसकी आदत बनानी होती है. तो ये बॉल के साथ जब भी टर्न या कुछ अराउंड कोन्स भी कर रहे हैं तो लोग ऐसे हाथ बाहर रखते हैं, और एक बार ये प्रैक्टिस करने नेचुरली के आपको लिए। आ जाता है, तब मतलब कोई भी फट ऐसा हाथ लग गया, बिकॉज फर्स्ट शील्ड मिल गया ना आपको, तो ऑफ यही होता है ना बाला, कि अगर यहाँ पे आ गया एंड दे ट्राई टू थ्रो यू ऑफ बैलेंस, एटलीस्ट ये आपको बचाएगा उस बैलेंस से. तो आप पहले से ही अग्रेसिव है, हाँ, आपके आप वो अग्रेशन की वजह से आप फिट हो गई फटाफट वहां से स्कॉटलैंड जाके, जी आपका ये ये नेचर ही है. एग्रेसिव, जी, ये एग्रेसिव मैं बचपन से मैं बॉयज के साथ में खेल के आ रही हूँ। ये नहीं कि मैं उसके साथ खेल के ऐसा करके आया हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने बॉयज के साथ खेल के आया हूँ। इसकी फायदा मैंने अपना स्किल को भर पाया, और अपना
एग्रेसी को भी ला पाया अभी तक। ग्रेट एंड यू हैव नो आइडिया बाला, आपको देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. मैं इनफैक्ट मेरी बेटी है वो अभी 11 महीने की है, 10 महीने की है, मैं डेट नहीं जानता, पर मेरी बीवी सुन नहीं रही तो ठीक है. बट पॉइंट इज कि मैं उसे कह रहा था कि मैं उसे भी बड़ा होके मैं उसे खिलाऊंगा. क्या खेलेगी मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट द पॉइंट इज दैट इफ समवन ग्रोज अप एंड सेज आई वॉन्ट टू प्ले, यू शुड हैव समवन टू लुक अप टू. नाउ विद यू कमिंग देयर एटलीस्ट यू कैन से ओ वो देखो बाला देवी गई खेलने के लिए. आपको डू यू कंसिडर दैट एज, हाउ डू आई से, डू यू कंसिडर दैट एज अ प्रिविलेज कि जहां पे आप अभी बैठे हो, चाहे आपने बहुत मेहनत करी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत से वहां पहुंचे हो, बट अब जहां बैठे हो यहाँ पे भारत में इतने सैकड़ों लोग हैं जो कहेंगे अगर हमें भी करना है तो वो देखो जी वहां पे शी इज प्लेइंग इन स्कॉटलैंड. सॉरी आवाज आवाज नहीं आई मेरी. सॉरी, हाँ अगेन प्लीज। नहीं, ये पूछ रहे थे, अर्जुन पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं अभी, हाँ आपने बहुत काम मेहनत करके आप यहाँ पहुंची है, लेकिन आपका वहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी लड़कियां जो अब से खेलना शुरू करेंगी, अर्जुन की जो बेटी भी है वो आपको देखेंगी कि ये है हीरो, ये है हमारा रोल मॉडल, ये है इंडिया का बिल्कुल टॉप का स्टैंडर्ड, हमको या तो उतने तक जाना है और उसके आगे जाना है। तो आप ये अपने बारे में ये सोचती है क्या अर्जुन, वही पूछ रहे थे ना हाँ अप्रोक्स। जी हाँ हाँ जी एक तो हर चीज हम लोग मुलाकात मतलब सीखते हैं कि कौन चीज कौन कौन प्लेयर को देख के, या मैं रोनाल्डो देख के मैं इंस्पायर करती हूँ। कौन सा वाला और रोनाल्डो, आप क्रिस्टियानो की पुराना वाला, क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो भाई, क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो. ओके रोनाल्डो देख के मैं इंस्पायर। पहले रोनाल्डो, हाँ 2000 के शुरुआत में वो बेस्ट, मेरे बेस्ट. खाली खाली मैंने उनका प्ले नहीं देखा, खाली पिक्चर देखा था मैंने। रोनाल्डो नंबर 9, ब्राजील रोनाल्डिनो जीदान, खाली उनका पिक्चर देखा था। उन सबको देख के मैंने इंस्पायर किया, उन सबको देख के मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया बॉयज के साथ। तो ये सारे चीज में अभी भी रीजन, मेरा आंखों के सामने रोनाल्डो खेल रहे हैं। तो मुझे एक इंस्पायर करना है तो मुझे एक प्रूफ करना चाहिए इन बच्चों को, उनकी आंखों में दिखाना चाहिए कि किस तरह किस लेवल पे कैसे खेल पाया है, तब ताकि जो आने वाले बच्चों को हमसे ज्यादा और बेहतर खेल सकते हैं। ट्रू, हाँ जी बिल्कुल. यू नो बिकॉज शारदा, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपने पहाड़ देखा ही नहीं है जिंदगी भर, आप पहाड़ के नीचे आपका व्यू आपका वहीं तक बैठा है, तो आप एम कैसे करोगे वहां पे. इट्स लाइक सेइंग कि अगर वो स्कॉटलैंड में आप चले गई हैं, इससे पहले बिफोर बाला गोइंग आई डोंट थिंक एनीवन इवन प्रोबली बेम बेम देवी वुड हैव ट्राइड, आई डोंट नो शी वेंट और यू नो व्हाटएवर हैपेंड, बट द पॉइंट इज नाउ दैट शी इज रीच दैट समिट, एटलीस्ट जो हमारे घर पे यहाँ पे जो लड़कियां खेल रही हैं वो प्रिपेयरिंग नाउ, दे कैन से कि यार यू नो एक रास्ता है, जाने का हो रास्ता सकता है. है, हम कर सकते हैं, हो सकता है, ऐसे जाने का रास्ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बाला, आपके आपके गेम के बारे में और मैं अगर पूछना चाहता था, बिकॉज एट रेंजर्स दे आर प्लेइंग यू एज अ नंबर 10, जी, सो नंबर 10 मतलब यू आर प्लेइंग इन बिटवीन द लाइन्स. बिटवीन द लाइन मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, और कभी कभी 9 पोजीशन में खिलाती है, कभी कभी 10 पोजीशन में खिलाती है। एंड सो बिकॉज फुटबॉल में हम अक्सर यू नो फोकस करते हैं कि आप बॉल को कैसे रोकते हो, आप टेक्निक कैसा है, बट वंस यू गो एट अ हायर लेवल, फुटबॉल टैक्टिकल और यहाँ का खेल है मोर देन टेक्निक एंड एवरीथिंग. टैक्टिकली आपको क्या लग रहा है, आपने कुछ नया ढूंढा है अपने बारे में, कुछ सीखा है यहाँ पे आके एज अपोज टू जब आप इंडिया में खेल रहे थे. नेचुरली मेरा जो स्किल तो मतलब वही मैंने अभी तक यूज किया हुआ है, ताकि यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, मतलब एक कंबाइनेशन होता है टीम के अंदर में, कफ बॉल रुकना है, कफ बॉल पास करना है, कफ फॉरवर्ड पास करना है, कफ रनिंग करना है, ये सारे चीज एक न्यू मतलब नया क्या बोलेगा उसका, हाँ, नया एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स. हाँ नया एक्सपीरियंस है, ये सब नया एक्सपीरियंस है। और
फुटबॉल के बारे में मतलब जितना भी मैंने पूरा साल से खेल के आया है, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, वो तो सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है वही चीज। किस तरीके में डिफरेंट है बाला? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, पर मैं एक दूसरा वाला भी क्वेश्चन, क्या आपने कहा डिफरेंट है क्या चीज, जो पूरा अप्रोच आप कह रहे हैं कि टैक्टिकल जो आपको डिसीजन लेना है उसमें उसमें डिफरेंट है? मेरा ख्याल से अपना जो स्किल मतलब जहाँ पे जितना भी लोग हैं इतना स्किल वाइज नहीं है, लेकिन टीम वर्क बहुत बहुत हाई है, टीम वर्क बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो बहुत स्ट्रोंग है टीम वर्क, हाई स्ट्रोंग इस मतलब उससे अच्छा परफॉर्म होता है, एक अच्छा एक इंडिविजुअल से नहीं होता है टीम को, ग्रुप में अच्छा जितना भी ग्रुप अच्छा हो जाए और जितना भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है टीम पे, वही टीम को मतलब अच्छा परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे जितना भी आप प्लेयर्स हैं एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को बहुत इंकरेज करती हूँ, एक दूसरे को बहुत कम्पिटिटिव करती हूँ। कॉम्बिनेशन के साथ आप कह रहे हैं, और कॉम्बिनेशन के साथ खेलने का ज्यादा है आप कह रहे हैं वहां? जी, एंड बाला, कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन सही होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ आर यू फाइंडिंग इट? कि क्योंकि फुटबॉल की जो लैंग्वेज होती है, चाहे आप यस मेरी भाषा ना समझो, पर फुटबॉल की लैंग्वेज अगर मैं खेलना जानता हूँ, आप खेलना जानते हो, कनेक्शन बन गया वहीं पे. सो वो कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लगा कि एकदम से सेट हो गया आप जैसे ही पहुंचे? यस डेफिनेटली, ये मैं शुरुआत में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ का स्कॉटिश लोग थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट है, मतलब आई, यस मतलब आई, वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, मतलब वेरी वेरी वेल, मतलब उनका टंग एकदम से डिफरेंट है, एकदम से डिफरेंट है उन लोग का। और मतलब हमारे जो इंडिया में मोस्ट ऑफ प्लेयर्स यूज करते हैं हिंदी में, पास बैक पास, यहाँ पे बैक पास नहीं बोलते हैं, बाउंस, बाउंस. ओके. या बैक पास मतलब बाउंस, टर्न करो मतलब टाइम टाइम, ऐसा मतलब छोटे छोटे चीज को मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे मुझे बहुत कोशिश भी किया था कि यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज करती है फील्ड के अंदर और क्या बात होती है, ये सब में बहुत पूछती पूछती भी थी मेरा दोस्त लोग के साथ, प्लेयर लोग के साथ, तो पहले थोड़ा मुश्किल था, अभी सब ठीक हो गया। आई आई तो यस मतलब आई अब अगर ग्लासगो में कोई चल रहा है और वो वहां बाला देवी को कोई देखता है, तो मतलब हाय हेलो नहीं बोलेगा, आए बोलेगा वो, आए आए हाय बाला. हाय, बहुत एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ मैं, जब भी मैं बाहर मतलब पार्क वगैरह में मैं जाती हूँ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करने के लिए, थोड़ा मतलब फ्रेश करने के लिए जाती हूँ, तो बहुत सिटीजन लोग, बहुत प्लेयर मतलब बहुत लोगों रनिंग रनिंग के लिए जाती हूँ, तो एक दूसरे को बहुत मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, एक बिना जान कर भी उन लोग बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, उसी चीज को मैं बहुत पसंद करती हूँ यहाँ पे। Have they started rec sorry sorry Shah, this is one thing. no, no, go ahead, go ahead. Have they started recognizing you कि ये तो हमारी टीम के लिए खेलती है वहां पे? मतलब जब जब आप वहां, ऑफ कोर्स आप घूमते हैं बाहर ग्लासगो में, जब वो आपको बाहर देखते हैं, डू दे रिकग्नाइज यू? ओ, ये तो, दिस इज बाला देवी, ये तो हमारी टीम के लिए खेलती है. डेफिनेटली डेफिनेटली, जब मैं पार्क में जाती हूँ तो सेल्टिक्स और रेंजर्स बहुत मतलब वो होते तो सेल्टिक्स का कोच, जब मैं लॉकडाउन के अंदर में अपने फिटनेस रेबिन को इम्प्रूव करने के लिए मैं पार्क में जाती हूँ, मुझे कुछ जगह ही नहीं था यहाँ पे, अलाउड भी नहीं था, तो मैं खुद अपने आप को एक फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए मैं पार्क में जाती हूँ, छोटा सा पार्क है, ग्राउंड छोटा सा है, पार्क बहुत बड़ा है, तो मैं रोज में रनिंग करती हूँ, अपना एक्सरसाइज करती हूँ, एक सेल्टिक्स का कोच आया था तो उन्होंने बहुत पहले से मुझे देख देख के चला चलाया था, फिर एक मुंबई में मेरे को पूछा कि रेंजर्स में तुम खेल रहे हो, मुझे
पता पता है, और मैं सेल्थीज का कोच हूँ, लेकिन मैं आप मेरे तरफ से मैं विश दे रही हूँ, बहुत एफोर्ट किया तूने, बहुत मेहनत किया, ऐसा बात भी होता है। और जितना भी यहाँ पे शॉप वगैरह में जाते हैं, शॉप यहाँ पे सब खुलता है लॉकडाउन के अंदर में भी, टेस्को वगैरह मतलब ग्रोसरी सब खुलता है यहाँ पे, जानता है कि एक रेंजेस में रिप्रेजेंट करे, तो मुझे बहुत खुशी लगा वो चीज लेके। और यहाँ पे इंडियन फैमिलीज बहुत मिला हुआ है यहाँ पे, उन लोगों ने भी बहुत मेरे लिए सपोर्ट किया था। तो इंडियंस बाला हैव इंडियंस आल्सो अब वो भी अब फुटबॉल देखने लग गए हैं क्या स्कॉटलैंड में जो इंडियन फैमिली में हाँ, फुटबॉल, यस, उन लोग बहुत मतलब हर हर दिन मुझे पूछते हैं कब गेम होगा, कब मतलब जब भी ट्रेनिंग वगैरह होता है तो क्या कर रही है, क्या हो रहे है, ये सब पूछते रहते हैं मुझे। और जब मैं हाँ जी इट्स फाइन तो जब मैं पार्क में जाती थी, बहुत इंडियन लोग देखा था, उन लोग सोचा पहले मैं इंडिया से नहीं हूँ, दूसरा मतलब चीना से हूँ, जापान से, उन्होंने लगा था। लेकिन जब जब धीरे धीरे उन लोग भी मेरे को देखा, मैंने भी मतलब पहले तो एक न एक इंडियन को बात करने का बहुत मन कर रहा था, मैं भी देखा उन लोग जाते जाते मेरे को देखा, फिर ऐसा धीरे धीरे हम बात करने लगा हाय हेलो करके, फिर आप कहाँ से हो, मैंने बोला इंडिया से हूँ, उन लोग पूरा एकदम से अचानक से फील हो गया कि मुझे नहीं लगता है आप इंडिया से हो, आप लगता है कि जापान से हो, चाइनीज से हो, ऐसा उन्होंने कहा था। नहीं, मैं इंडिया से हूँ, मैं मणिपुर से हूँ, ऐसा बोला था। उन लोग बहुत खुशी थी यहाँ पे एक प्रोफेशनल क्लब में खेलने, रिप्रेजेंट करना, यही। एक चीज बताइए बाला, आपका शर्ट नंबर है 10 और जी सब जानते हैं कि दुनिया दुनिया में सबसे फेमस जो नंबर 10 प्लेयर था आपको नंबर 10 मैराडोना, सैडली उनके अभी अभी उनका देहांत हो गया। आपको क्या लगता है नंबर 10 पहन के आपको ऐसा कुछ लगता है कि जिम्मेदारी है मेरी, मैं बहुत बड़ा नंबर पहन के खेल रही हूँ जो बिल्कुल हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर जिसको बोलते हैं उसके बारे में? हाँ, डेफिनेटली जिम्मेदारी, अपना जिम्मेदारी तो जरूर होगा। एक प्लेयर हो के नाते कंपलसरी खेलना चाहिए, कंपलसरी मुझे एक मकसद मुझे चाहिए कि एक जो जो जर्सी पहन के एक दिखाना चाहिए, एक प्राउड फील करना चाहिए, खुद को इंस्पिरेशन करना चाहिए, वही चीज मेरा ख्याल में रखती हूँ। और वो जितना टेन नंबर पहन के जी, मैं बचपन से नंबर 10 पहन के आई हूँ इंडिया जर्सी, और लकीली यहाँ पे उन्होंने नंबर 10 भी दिया था, उसी चीज को मैं बहुत खुश हूँ। बाला वो लकीली नहीं होता, उन्होंने आपका गोल रिकॉर्ड देखा है, उन्होंने गोल रिकॉर्ड देखे, उन्होंने आप तो मैच से ज्यादा गोल मारे हुए उन्होंने, तो वो सीधा आपको नंबर 10 आ गया। बट माय पॉइंट इज आपने अपनी जर्सी देखी है बच्चे बच्चे कोई पहनते हुए? हैव यू सीन इट एनीवन वेयरिंग योर जर्सी ग्लासगो में? अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो गया ना, तो अभी तक तो नहीं देखा। पर एक खबर आई है दैट विल बी ग्रेट वाला, बिकॉज अलग फीलिंग हो जाएगी कि आपका जी जर्सी पहन के वहां पे घूम रहे हैं। एक खबर आई है कि वहां के यंग बॉयज जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने आपको कभी कभी बोला है कि यू शुड प्ले फॉर अ बेटर क्लब लाइक सेल्टिक, मजाक मजाक में? ऐसा तो नहीं, कही कहा कि एक छोटे बच्चे ने बोला कि मैं रेंजर्स का फैंस हूँ, लेकिन आप अभी आ गया, मैं आपकी तरफ से मैं रेंजर्स में अभी फैंस हो जाऊंगी। फिर उसने अपना कहा कि मैं अभी रेंजर्स का टी शर्ट खरीद लिया मैंने, अरे रेंजर्स का दो दो जर्सी उन्होंने खरीद लिया, मेरे को पिक्चर भी भेजा था। अच्छा दैट्स ब्रिलियंट बालक, आपने रेंजर्स और सेल्टिक की राइवलरी के बारे में बताया, अब इसके बारे में सबने पढ़ा है दुनिया भर में, चाहे आप स्कॉटलैंड में रहते हो, इंडिया में रहते हो, जहां भी रहते हो, जब आपने वो पहला डाबी खेला द डे बिफोर द मैच, और नॉट द डे, आई थिंक
मैच से एक हफ्ता पहले आई सपोज प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, क्या आपने नोटिस किया कि एकदम से इंटेंसिटी बढ़ गया यहाँ पे तैयारी में? यहाँ पे हर या खाली सेल्टिक्स को नहीं है, एवरी गेम बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, बहुत प्लेयर लोग हम बात करती हूँ कोचेस के साथ। और क्या होता है कि यहाँ पे एक ज्यादा फेमस हो जाता है रेंजर्स सेल्टिक्स, तो उसमें भी ज्यादा और मोटिवेशन भी होता है उसी चीज को। तो जब जब डाबी आपने खेला, क्या आपने नोटिस किया कि ये है डाबी का एटमोस्फियर, ये है इंटेंसिटी? मतलब यस सेल्टिक्स के खिलाफ खेला, क्या वो, मैं कैसे बोलूं, मीठे मीठे शब्द आपके तरफ बोले जा रहे थे मैच के बिटवीन, एंड कोनियो ओनियो का इस्तेमाल? वॉज इट अ टफ गेम, अग्रेसिव गेम? मुझे लगता है कि अलग फीलिंग हो सकता है, मुझे भी लग रहा है अलग फीलिंग से, क्योंकि उन लोग नेचुरल से बहुत पहले से एक ऐसा अपने आप को मोटिवेशन होता है कि एक रेंजर्स के साथ खेलना ऐसा हो जाता है, मेंस का भी ऐसा हो जाता है। मैंने लाइफ में तो नहीं देखा, टीवी में तो देखा है, बहुत सारे फैंस मतलब मोटिवेशन करता है एक प्लेयर को, फैंस को। तो हाँ, मेरे ख्याल से जरूर एक तो कुछ कुछ ना कुछ तो एक प्लेयर के अंदर हो जाती है। और मैच की पहले हम लोग फ्रेंडली मैच खेल चुका हूँ सेल्टिक्स के साथ, हम लोग ने 2-1 से हम लोग ने जीता था। तो उसी मैंने फर्स्ट 11 भी खेला था, तो बहुत मतलब एक फाइटिंग, एक एग्रेसिव, मतलब एक साउथिंग, एक मोहन दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है, वही डबी है यहाँ का। आपने आप आई यू सॉरी जस्ट वन थिंग, हैव यू आई होप यू नो नाउ कि जब तक आप स्कॉटलैंड में हो, अब आप एक ग्रीन और व्हाइट टी शर्ट नहीं पहन सकते। जी, मैं एक जॉगर लेके आया था इंडिया से, थोड़ा सा इतना ग्रीन तो नहीं है, थोड़ा सा ग्रीन था, तो मेरा फैंस लोग बोला कि ये मत यूज करो यहाँ पे, जब तुम रेंजर्स हो गए तो यूज नहीं कर सकते, तो मैंने छोड़ दिया है। और एक चीज था, मेरा नाइकी से एक ग्रीन कलर का जैकेट नाइकी वाला भेजा था, मैंने बोला कि यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है, घर में भेज दो, यहाँ मत भेज दो, ऐसा बाला, हुआ था। आप अपने जो दूसरे फॉरेन प्लेयर्स आए हैं खेलने के लिए, उनके साथ आप बताइए, आपके रूममेट्स कौन हैं, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है उनके साथ, उनके प्लेइंग का स्टाइल अलग है ने उनका ज्यादा स्कॉटलैंड के स्टाइल के साथ वो सेम है, और वो ज्यादा जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए हमको। हाँ, एक तो कल्चर अलग होता है कि मैं हिंदू हूँ, उन लोग सोचते कि मैं कुछ नहीं, मतलब थोड़ा चीज को नहीं खाते होंगे ऐसा लगता था उन लोग, लेकिन मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं मतलब कोई भी चीज में खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, उसी चीज को उन लोग बहुत खुशी थी। पहले थोड़ा दिक्कत था कि क्या खाएगा होगा ऐसा लगता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और एक जो भी मेरा साथ है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर प्लेयर थे नेशनल टीम का, और स्कॉटलैंड का गोलकीपर, कनाडा का एक सोनिया नाम का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है। फुटबॉल फुटबॉल के अलावा भी मतलब अपना अपना कल्चर, मेरे को भी बहुत पूछा है कल्चर, मतलब होली के दिन में, दिवाली के दिन में, मैंने दिवाली भी बनाया था यहाँ पे घर पे, तो उन लोग हाँ। बहुत खुशी थी ये सब चीज को। तो आपको पटाखे कहाँ से मिले हैं वहां पे? पटाखे तो पटाखे? नहीं किया मैंने, कैंडल लगाया, हाँ कैंडल लगाया। और एक चीज बहुत अच्छा था कि उन लोग हमारे इंडियन फूड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हमारा इधर एक रेस्टोरेंट है आसपास में, बहुत इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ग्रोसरी भी है इंडियन ग्रोसरी, तो उन लोग बहुत फेमस करती हूँ इंडियन रेस्टोरेंट को। तो उन्होंने आपको कभी बोला है कि कोई इंडियन डिश प्लीज घर पे हमारे लिए कभी बनाइए, बिकॉज इंडियन फूड इज फेमस वर्ल्ड ओवर? हाँ, मैंने बनाया बनाया मैंने
चिकन बनाया उन्होंने, बहुत टेस्टी है बोला कि उन लोग ज्यादा मतलब ग्रेवी नहीं खाती होंगी, मतलब ड्राई ड्राई खाती हूँ, तो हम लोग तो ज्यादा ग्रेवी मतलब झोल ऐसा ज्यादा खाती हूँ, तो उन लोग बहुत पसंद करते हैं। बाला, ये एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये फुटबॉल के बारे में, आप क्या कहेंगी दूसरी लड़कियों को जो आपके स्टैंडर्ड, जो हाई स्टैंडर्ड फुटबॉल खेलना चाहे, आप उनसे क्या कहोगे कि वो क्या करे कि आपके जैसे वो परफॉर्म कर सके, आप जहाँ पहुंची हैं वो वहां पहुंचे, आगे चले, आप क्या कह सकती हैं उन लड़कियों को, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या करना चाहिए उनको? मुझे एक दूसरे से जितना भी हार्डवर्क करो कोई रुक नहीं सकता है। अभी इवन में अभी ओवरऑल वर्ल्ड में 40 रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड पे कोई भी कंट्री में खेलता है। अभी हमारा जो इंडियन रैंकिंग है अभी 55 रैंकिंग, मैं क्यों खेल पा रही यूरोप कंट्री में, क्योंकि मेरा जो हार्डवर्क, जो मेरा आ, आ, जो क्रेडिट क्या बोलेगा उसको, मेरा हार्डवर्क और मेरा जो अचीवमेंट था उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खेल पा रही हूँ। जितना भी हार्डवर्क करो उतना ही आप आगे बढ़ सकता है, कोई रुक नहीं सकता है। इट्स नॉट, कोई डिपेंड नहीं करता है, अपने आप को डिपेंड करता है कि हाँ कितना लव करता है अपना स्पोर्ट्स को। इट्स ऑल्सो बिकॉज शारदा, लाइक आई रिमेम्बर, मुझे याद है जब बाला का द स्टोरी ब्रोक, एंड हम ऑफकोर्स अनुज को तो मैंने फोन कर करके पागल कर दिया था। मैंने कहा भाई बता ये क्या हो रहा है, हमें बता, हम इतने टाइम से जानते हैं, एंड अनुज इज बालाज एजेंट। एंड तब ये पता चला कि दे हैड टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर बाला, टू जो आपके इमिग्रेशन लॉज होते हैं, जो वीजा रूल्स होते हैं, एंड जी प्योरली बिकॉज दे सेड दे मेड दैट एक्सेप्शन बिकॉज आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि कितने गोल मारे हैं, 15 साल का करियर है फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, सो दे हैड टू मेक दैट एक्सेप्शन। माय पॉइंट भी कि बाला की जो हम लोग, हमारी लड़कियां यहाँ पे भारत में खेल रही हैं, और कभी कभी होता है ना, एंड आई एम श्योर यू बिन देयर एज वेल, कि ऐसा लगता है यार हम कहीं नहीं जाने वाले, ये गेम बदलने नहीं वाला, बस 2 हफ्ते का यहाँ पे मुकाबला होता है, 3 हफ्ते का मुकाबला होता है, बट दे नीड टू रियलाइज कि ये जो 2-3 हफ्ते के जो मुकाबले हैं, अगर आपने इसमें अच्छा किया then it can help you in going somewhere, like it has helped you in going somewhere. जी, डेफिनेटली जब मैं शुरुआत में कोरिया के साथ कोई बड़े टीम के साथ में खेलती थी तो बहुत गोल से हार के आए थे, तो हम मतलब जब सोचता कि मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन फिर भी हम लोग बहुत गोल से हार के आ रही हूँ, खेल की क्या फायदा है, कभी कभी दिमाग में ऐसा आ जाता है। लेकिन मैं उसी चीज को हटा के एक अपना मतलब अच्छा चीज को 90 मिनट्स के अंदर में जो मैंने अच्छा काम किया है उसी चीज को मैंने पॉजिटिव में लिया है कि हाँ मैं भी खेल सकती हूँ, मैं भी एक उनसे अच्छा बेहतर हूँ। मतलब मैंने एक दो प्लेयर या तीन प्लेयर भी कभी कभी कट करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक कुछ तो है, तो वही चीज को मैंने पॉजिटिव लेके मैंने आज तक गिव अप नहीं किया। जब गिव अप किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं खेल पाऊंगी, तो मैंने ट्रू, कभी भी गिव अप नहीं किया। इट्स लाइक शारदा सेइंग कि यू मस्ट हैव स्मॉल गोल्स, लाइक शी सेड राइट नाउ ना, कि चाहे आप मैच हारे हो पर उस मैच में एक, वो एक मुझे याद रहेगा रात को कि मैंने 3 प्लेयर को काटा है, यू नो और दैट लोग स्मॉल देखेंगे, गोल, और लोग देखेंगे। और हाँ, लोग देखेंगे और उससे मेरा गेम बेहतर हो रहा है, तो चाहे कुछ जितना भी हो। छोटा, जितना भी छोटा आपका फुटबॉल का वो हो, आप उसमें शाइन कर सकते हो, आप उसमें बिल्कुल, और शाइन यानी कि बिल्कुल रॉकेट लेवल तक, नॉट शाइन, शूट, रॉकेट शूट, लेवल या यू हैव गॉन थ्रू, आई मीन टू ब्रेक द, टू गेट अ स्पेशल एग्जेम्पशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दैट बाला यू आर एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर इज जस्ट अनहर्ड ऑफ। आई कांट, मेरा तो बिकॉज आपको मैं सुनील का बता देता हूँ। सुनील का जब क्यूपीआर में हुआ था, सुनील का क्यूपीआर में सब कुछ हो गया था, बट सुनील की एक्सेप्ट अड़चन दैट, आई थी वीजा में, इन इमिग्रेशन लॉज में। एट दैट टाइम दे सेड वी विल नॉट डू इट, वी विल नॉट मेक अ स्पेशल एक्सेप्शन, पर यहाँ पे दे मेड अ स्पेशल एक्सेप्शन।
बाला, यू आर एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन. मैं आपको एक बता दूं फॉर एवरीवन बैक होम, आपने ऑफ कोर्स अब जो आप वहां पहुंच गए हो, जो आपके सारे यहाँ पे टीममेट्स थे, वो एक तो आपको कितना फोन करते हैं, रेगुलरली आपको फोन करते रहते हैं, बताओ 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 कैसे करें क्या करें. हाँ डेफिनेटली, जो यंगस्टर प्लेयर मुझे बहुत पूछती है कि दीदी मुझे भी खेलना चाहती हूँ आपकी तरह, कैसे खेलना है. मैंने वही चीज को बोला कि तुम इतना अपना अपने आप को मतलब एक परफॉर्म देगा तो कोई भी रुक नहीं सकता है. मैं वही चीज को उन लोगों को बोला था. तो मैं उन लोगों को समझा रही कि हमारा जो इंडियन प्लेयर है बहुत स्किलफुल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग मतलब एक परफॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब गेम को सही सही तरह से खेल नहीं पा रहा है, या गेम प्रैक्टिस सही तरह से ठीक से नहीं कर पा रहा है, और उन लोगों को सब थोड़ा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रेनिंग के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए एक कोच, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. उसी चीज को थोड़ा सा कमी है, लेकिन हमारा जो इंडियन प्लेयर है कुछ कम नहीं है, हम खेल सकता है. तो ये सारी चीज मैं उन सबको मैं बताया था, उन लोग को मैंने मोटिवेशन किया था. ये बाला, ये आप जानते हैं कि जो अंडर 17 जो विमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, तो आप क्या बोलते हैं अपने, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा काफी सारी लड़कियों के लिए कि ये टूर्नामेंट जो बहुत बड़ा होने वाला था उनके लिए अब कोविड की वजह से अब सब लोग अब आप लाइन फिर से लगाओ. तो ये जो गर्ल्स का गेम है इंडिया में उस पे क्या फर्क पड़ा है ये पोस्टपोनमेंट का, और आप क्या कहते हो जो आपको फोन करके बोलते देखिए अभी ये हमारा चांस था और अभी दीदी हमारा चांस अभी चला गया, उन लड़कियों से क्या कहते हो जो अभी से जब तक वो शुरू होगा वो टूर्नामेंट अंडर 17 वो ओवर 17 हो गए होंगे, वो खेल नहीं सकेंगे उसमें. कोविड की वजह से ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो भी प्लेयर है बहुत सारे फेस लगा हुआ है, खाली नॉट ओनली इंडियन प्लेयर. तो ये चीज समझना है कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट करना है. थोड़ा दुख तो होंगे पोस्टपोन वगैरह करने में, लेकिन एक दिन न दिन हमारे इंडिया पे होने वाला है. वही चीज को पॉजिटिव में लेना चाहिए जितना भी इन बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है इंडिया पे. क्योंकि ये एक पार्ट होता है कि वर्ल्ड कप बार बार नहीं होता है, वर्ल्ड कप बार बार नहीं होता है. जो भी प्लेयर उनको रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिल रहा है, खाली नॉट ओनली इंडिया में दिखाने का नहीं है, वर्ल्ड में दिखाने वाला है कि अपना लेवल, अपना जो करियर को बदलने के लिए एक मौका दे रहा है. उसी चीज को लेके जो भी प्लेयर है एक सही तरह से अपना ट्रेनिंग को, फिटनेस में और अपना मेंटली को, प्रिपरेशन अपना दाई को, अपना फैमिली से और अपना पीपल से बहुत सपोर्टिव होना चाहिए उसी चीज को, यही बोलना चाहते. बाला, व्हाट अबाउट द नेशनल टीम, कि अब आपकी क्या बात हो रही है फेडरेशन के साथ कि किन किन मुकाबलों के लिए, ऑफ कोर्स जब मुकाबले शुरू हो जाएंगे फिर से रेगुलरली, तो आपकी क्या बातचीत है, आप कितनी बारी आ पाएंगे इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए और रेगुलरली? डेफिनेटली अभी तो हो ट्रेनिंग कैम हो चुका है गोवा पे. होने से पहले हम बात किया था कि मुझे आ सकता है कि नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि अपना देश के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अभी मैं रेडी हूँ, लेकिन खाली केम के लिए तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे भी एक मैचेस खेल रहा है, केम के लिए तो मैं आ नहीं पाऊंगी. जब भी मैं हम लोग एक्सपोजर टूर के लिए कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बात हुआ था नेशनल टीम कोच के साथ, नेशनल मैनेजर और प्लेयर सबके साथ. इट्स लाइक मैं आपको समझाता हूँ, तो शारदा जब हम लोग संतोष ट्रॉफी खेलते थे ना दिल्ली के लिए, तो सुनील उस टाइम पे मोहन बगान के लिए खेल रहा था, और दिल्ली के ज्यादा लड़के बाहर खेलते नहीं थे उस टाइम पे, अब थोड़ा बदल गया है. तो जब सुनील कैंप पे आता था इट वॉज लाइक एक क्षेत्री और सब उसके आसपास, भाई बताओ कैसे ये वो, आचा पाचा भाई अपने को भी जाना है ये भी करना है,
आपके साथ तो आप एंड यू नो ये जिन लड़कियों के पास जब भी आप वापस जाएंगे एक्सपोजर टूर के लिए, ये आपके साथ भी होने वाला है बाला, कि जैसे ही आप वहां पहुंचोगे उन्होंने सबने आपको घेर देना है और उन्हें बोलना बताओ जी अब क्या है, क्या है, कैसे ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटिए प्लीज. इन टर्म्स ऑफ आपने कहा इंडियन प्लेयर्स आर स्किलफुल, बट बिकॉज आप एक एक्सेप्शन हो एंड आई डोंट मीन इट कि मैं से यू नो क्योंकि आप सामने खड़े हो, बट अगर आपका रिकॉर्ड देखो यू आर एन एक्सेप्शन. बट अगर आप एक रेगुलर इंडियन प्लेयर के बारे में बात करो जो रेगुलर इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल खेल रही है, उसको किन किन चीजों में अभी कैचअप करने की जरूरत है, क्योंकि आप अब जानते हो टॉप लेवल पे कैसे होता है खेलना. यस, यहाँ पे इन छोटे बच्चों से लेके बड़े तक एकेडमी वाइज एज वाइज यहाँ पे रखते हैं, तो उसी चीज को भी हम लोग इंडिया पे फॉलो करना चाहिए। अभी वुमेन्स इंडियन वुमेन्स को भी स्टार्ट हो चुका है 2016 से, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कमी है कि मैच कम है, हम एक महीना में खत्म हो रहे हैं मैच। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा साल मैच हो रहा है, पूरा साल ट्रेनिंग हो रहा है, पूरा साल एक ट्रेनिंग, पूरा साल एक मैच, इससे क्या फायदा है? और एक महीना में, महीना के अंदर IWL खत्म हो रहा है, ये चीज क्या और फायदा इंडिया में आ सकता है? ये सब हम लोग मतलब अभी जानना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन अच्छा हो रहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बहुत काफी है, हम लोगों को 2017 से 19 तक बहुत एक्सपोजर टूर वगैरह दे रहे हैं, उसकी ज्यादा और चाहिए हम लोग। जितना भी हम लोग बाहर खेले और बड़े टीम के साथ खेले, बहुत कंफर्टेबल फील होगा। I have one question. Bala, आप चैंपियंस लीग भी खेले? रेंजर्स इज प्लेइंग चैंपियंस लीग? चैंपियंस अब नहीं, अभी चैंपियंस लीग नहीं खेल रहे? हाँ, कफ यहाँ पे एक होता है कफ और यूरोपियन लीग, जब ये वाला टूर्नामेंट विन होगा तो कफ चैंपियंस लीग खेलेगा। हाँ, ओके ओके, देन जस्ट इमेजिन बाला कि आप वहाँ पे हो और वो चैंपियंस लीग का वो जो गाना चल रहा है टें, 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 वो मतलब हमने यहाँ पे डेट लगा देनी है, सबने एक साथ बैठ के मैच देखेंगे हम लोग. शारदा, डू यू हैव एनी अदर थिंग्स टू आस्क? नहीं, थैंक यू बाला, बहुत मजा आया आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल आपको लक और फॉर्च्यून और हैप्पीनेस आपके लिए और विश कर सकते हैं हम. बहुत शुक्रिया. हाँ बाला, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन 420 ग्राम्स. थैंक यू सो मच. Thank you.